यूसुफ आ रहा है और तुम उसकी बीवी बनकर उसका इस्तकबाल करोगी। नफरत है मुझे इस रिश्ते से। कयामत आ जाएगी। सह लूंगी। हमारे माँ बाप मर जाएंगे नेहा, तो मैं कौन सा जिंदा हूँ। असल आप तो ऐसा रिएक्ट ना करें ना, आपसे मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। अब भी रिएक्ट ना करूं फिर किस बात पे बोलूं मैं, बेगैरत बन जाऊं। मुझे आदत थोड़ी है आपकी तरह झूठ बोलने की। अभी बताऊं तुम्हें कौन झूठा है। क्या कर रहे हैं चने सबा, इंतजार कर रही हो। इंतजार कर रही है तो करने दो इंतजार, आज मैं और तुम अकेले वक्त गुजारेंगे। बहुत हसीन लग रही हो तुम। मैं अहमद भाई को बताकर आती हूँ। तुमने अचानक लाइन काट दी थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। वो एक्चुअली मैंने फोन रखना छोड़ दिया। कोई बात, तुम जानती हो तुमसे मिलने के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जानती हो मैं आज क्या करने वाला हूँ। क्या? ब्रांड न्यू गाड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ मैं अहमद को आज। सबा की गोद भराई का गिफ्ट अहमद को बसाने के लिए। तो ये सब आप अहमद भाई को फंसाने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी सिर्फ एक नजर की कीमत अदा कर रहा हूँ। इतना प्यार करते हैं मुझसे। अदनान बेटा जी, आप कब तशरीफ लाए, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। सलामुअलैकुम पुफी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ये कितना प्यारा लग रहा है, कितने महंगे कपड़े पहने हुए माशाल्लाह। अच्छा मैं अहमद भाई को बता कर आया। हाँ ये देखे ना बेटा जी, कितनी शरारती हो गई, कैसे मुझे छेड़ के गई है ना, कि भला देखे ना मैं आपकी कोई सास लग सकती हूँ भला। मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा ही फर्क होगा आपकी मेरी उम्र में ना, आप बस बड़ी बहन कह सकते हैं आप मुझे वैसे ना। वो चाय मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, मैं अपने हाथों से आपको चाय बना के दूंगी, और हमने टोके भी बड़ी करनी है, जरूरी जरूरी। आए ना किचन में आओ जी। चल माना नहीं, आ जाओ ना। हाँ जी। ये लीजिए भाई, जब तक आप लोग चाय पीजिए, फैसल और फूफा तैयार होकर आ जाएंगे, फिर कट्ठे चलते हैं। तारा बेटा, जब जाना ही था तो फिर चाय का तकल्लुफ क्यों किया तुमने है? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आप लोग मेहमान हैं हमारे, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। और फिर समझाने भी तो अपने ही होते हैं ना, अपनी इज्जत होते हैं। और अब शाजिया इस घर की इज्जत है। थैंक यू भाभी। सच जरा तुम्हें देख के तो मेरा दिल चाहता है कि बस मेरी बहू बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, बल्कि तुम्हारी कॉपी। क्यों नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। आप ऐसा करें, ये कबाब खाएं, मैंने अपने हाथों से आप लोगों के लिए बनाया। हम ले लेंगे, तुम जाके तैयार हो जाओ, तुम इसकी फिक्र ना करो, जाओ जा जाके तैयार। मैं अभी आई बस। बड़ी अच्छी लड़की है, इसको देख के तो मेरा दिल ललचाने लगता है, दिल चाहता है बस ऐसी ही बहू कहीं से ढूंढ के ले आऊं। इंशाल्लाह। यार अदनान, वो तूने कहा था कि हम अपने मसालों की मशहूरी बनवाएंगे, तो हम जाएंगे ना शूटिंग पे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। आप ठीक है, तुम तो हर वक्त हो। डन है। वालेकुम सलाम जी। अहमद उधर वो यूसुफ ने तो फोन लगा, कितने तक पहुंची है? ओहो दादी जी, बाय रोड आ रहा है तो अब देर तो लगेगी ना उसको। नेहा बेचारी तो सुबह से तैयार होकर उसका इंतजार कर रही है।
वो छोड़े यूसुफ ने तो आ ही जाना है। तुम्हें पता है अदनान तोहफा क्या लाया? क्या? ओ दादी जी, 0 मीटर गड्डी जे। 0 मीटर गड्डी? तेरे को बहुता पैसा है ना, गरीबा की मदद कर दीता कर। दादी जी ते और की, जेड़ा बच्चा भी दुनिया में नहीं आया उसके लिए नई गाड़ी। हाय हाय, ऐसे किसी के खलूस का मजाक नहीं उड़ाते होते। खलूस का मुल ना गड्डी नहीं होती। दादी जान, इससे भी तो मेरा कोई रिश्ता है ना, तो क्या इसकी औलाद से मेरा कोई रिश्ता नहीं? हाँ क्यों नहीं, आखिर अदनान बेटा जी अहमद के बच्चे के होने वाले अंकल जो हुए, मेरा मतलब है खालू, और वो भी इतने अमीर ना। खालू नहीं, ताया को। हाँ चलो ताया ही सही, कुछ भी सही ना। चलें कुछ भी कह रहे, लेकिन प्यार तो है। चल सुलेखा देखिए सबा तैयार हुई कि नहीं। गड्डी रजिस्टर हो गई ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारे नाम। जिंदा रहे, जिंदा रहे। ऐ होंदे ने भरा वड्डे आए फैसल ते हमाद। अरे यार, वो मैं जारा भाभी। जारा भाभी कहाँ है? जारा भाभी तो नहीं है, मगर देवर सामने खड़ा है। जी हाँ जी, आप मुझसे बात कर सकती हैं, उन्हें एक्चुअली टाइम लगेगा तैयार होने में। जी जी, ऐसी बातें तो होती हैं शादी के बाद। आप तो बेहद ही बेबाक निकले। एक्चुअली जिंदगी को हकीकत की नजर से देखता हूँ। मुझे भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो जिंदगी को हकीकत की नजर से देखते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको मैं पसंद आया? अब पगली। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो। अहमद भाई तो देखते ही उनके होश उड़ जाएंगे। अहमद की होश तो अब उनकी औलाद ही उड़ाएगी। मैं तो हार गई हूँ नेहा। एक बात कहूँ कि मामता का नूर भी कितना खूबसूरत होता है ना। सच बताऊँ तो अभी तुम्हें देख के मुझे बहुत रश्क हो रहा है और हसद भी हो रही है। मुझे बहुत खुशी है नेहा कि तुमने यूसुफ को दिल से कबूल कर ली। तुम देखना, अल्लाह तुम्हें इस खुशी से जरूर नवाजेगा। नेहा पुत्र, देखिए दादी जी आपके दुल्हन तैयार है। माशाल्लाह, अल्लाह इतनी प्यारी औलाद से नवाजे, हमेशा हरा भरा रखे। दादी जी आप नेहा को दुआ नहीं देंगी? क्यों नहीं, अल्लाह तुझे औलाद की खुशियां नसीब करे। जल्दी से यूसुफ को फोन लगाना, पहुंच। जी दादी जी, मेरी अभी बात हुई है, वो रास्ते में टाइम से पहुंच जाएगा। नेहा पुत्र, आज बहुत चंगा तैयार हुई। जी दादी जी, आप फिक्र मत करें, नेहा को मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। ठीक है दादी जी, मैं सभा के साथ तैयार होकर आती हूँ। देर ना लगाई, और हाँ वो जारा नु ते फोन कर, कतो आन के कतो रस्म होएगी। हाँ जारा से तो बात करनी चाहिए। मैं आती हूँ तैयार। ओके। तुम जोड़ा तो निकालो अपना जाके। अरे तू अभी तक तैयार ही नहीं हुई। तो आपको नजर नहीं आ रहा, हो तो रही हूँ। हरे को होश के नाखून ले, बार अदनान बेटा जी आए बैठे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी। अरे क्यों नहीं फर्क पड़ता, देखे ना अब तो नेहा का कांटा भी बीच में से निकल गया है। मुझे किसी कांटे की कोई परवाह नहीं है। अरे राबिया तुझे बात की क्यों नहीं समझ आती बेटा, को अकल कर ले, को होश कर ले। देखे ना कितनी मुश्किल से मैंने इस रिश्ते को काबू किया है, और तू इस तरह की बातें कर रही है।
अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया ना तो फिर कभी भी हमारे दरवाजे पे कोई नहीं आएगा और तू इसी तरह बैठी रहेगी सारी जिंदगी और जो तेरा ये जो तेरी ऐनक का नंबर है ना ये और बढ़ जाएगा। माँ जी मेरे नसीब में जो होगा ना वो खुद आ जाएगा। आप ऐसा करें जाके अपने अदनान बेटे जी का ख्याल करें। पर मैं तेरा ख्याल क्यों ना करूं, तो मेरी बेटी है। अब मैं क्या तेरे इस चिट्टे चाटे का इंतजार करूं कि मेरी बच्ची का सर कब सफेद होगा और कब मैं इंतजार खत्म करूं रिश्ते का। हाय नो, इस बच्ची को समझ नहीं आती बात की। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को, अंदाजा ही नहीं कि कितना नाजुक वक्त आया बैठा है हमारे ऊपर है। अगर अब इसकी शादी नहीं तो फिर कब होगी यार मेरे मौला। सारा मेरा तो प्लान ही खराब हो गया जो मैंने बनाया था इसकी शादी का, अमीर बनने का। कंस्ट्रक्शन का काम तो बड़ी तेज हो रहा है, मशीनरी कब तक आ जाएगी? अंकल आप फिक्र ही ना करें, बस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई नहीं और प्रोजेक्ट शुरू हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यार तू तो मेरा बाँ बाजू बन गया है पुत्र। आपका बेटा जो क्यों नहीं? अच्छा जी, यानी के मेरा कोई नाम ही नहीं है। अब्बा जी अगर मैं ना होता ना तो आपको ये अदनान बेटा जी भी नहीं मिलना था। वैसे अंकल ये तो है, इसकी दोस्ती ने मुझे बड़ा हौसला दिया। अच्छा चलो भाई चलो, मेहमान आने वाले हूँ। जी किड़े मेहमान? ओए तेरे सौरे और कौन है, और इस्तकबाल नहीं करना उनका। अब्बा जी आपको पता है मेरी नहीं बनती। और पुत्र पर आज तो तेरे मेहमान बन के आ रहे हैं और देखी माँ जी ने बहुत सब बुरा मनाना है। चलो ऐसे तुझे चलो, ऐसे आ रहे हैं। यार अहमद मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम्हारे इन-लॉज़ अगर मुझे यहाँ देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं। बहुत आला भाई की गल की थी है मेरा भरा। ले सास सौरे नु छड़ दे बस, और बाकी दो तो मेरे साले हैं, उनको बुरा लगेगा, कट के बाहर खिलार दंगा करो मैं। राजा ओ भाई तू मेरा आजा 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 आजा। बच्चा सलाम कर रहा है। सबको सलाम अलैकुम है भाई। हेलो फैसल। अदनान बेटा हम चलते हैं। सफिया मैं सभा को लेकर आती हूँ, आप रस्म की तैयारी करें, ठीक है ना? चलो आओ। जी मरीम बेगम मेरी बात तो सुनिए आप। खैर तो है ना? हाँ सब खैर है। ये गोद भराई की जो रस्म होती है वो सिर्फ औरतों के लिए होती है, इसमें पराए मर्द नहीं होते। पराया कौन, किसकी बात करें? अदनान जी की? अरे वो तो मेरे बेटे हैं ना अदनान जी। सही कह रही है सफिया जुलेखा, लड़कों को बाहर निकाल देते हैं रस्म करने के बाद ना, खाने पे बुला लेंगे सबको। क्यों, लेकिन मेरे अदनान बेटे जी? बस जो कह दिया ना वो कह दिया। सफिया जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे उस तरह रस्म करो। ऐसे जो ये चाहेंगे वही होगा, खुशी हमारे बेटे की है और मर्जी इनकी। बेटे की बच्ची, बेटा हो या बेटी, ये सभा की खुशी है। आए सफिया। लो जी घर हमारा,
और मर्जी इनकी चल रही है। इसने नहीं बाज आना अपनी हरकतों से, खाम खाई दुश्मनी छोड़ दी नहीं मेरे साथ ना, हालांकि मैंने इसको कभी कुछ कहा ही नहीं है, मासूम ने लड़ाकी जैसी। यार ए को गल हुई, मेरे बच्चे की रस्म है तो मैंने बाल काटता। कारोबार वैसे बच्चों का काम होता नहीं है, एक चीज मैंने देखी है। अदनान वैसे अल्लाह मियां ने भी कैसे हाथ पकड़ा ना, सुभान अल्लाह। मेरे दुश्मनों के तो दिल जल गए होंगे, खुदा की कसम उनके सीनों पे तीर चले। क्या बताऊं तुझे, नहीं अहमद ऐसी बात नहीं, ये गलतफहमियां ही होती हैं जो अपनों में दूरियां पैदा कर देती हैं। फैसल भाई मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, वैसे भी शिराज हमारे साथ है, ठीक नहीं लगता। वैसे हमारी जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी इंशाल्लाह। भाई प्लीज बर्दाश्त करो और रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जरा एक फोन करके आया। हेलो जी, यूसुफ का घर है। क्या यूसुफ का एक्सीडेंट? यूसुफ का इंतकाल हो गया। अब तो खुश होगी, ये बहुत खुश होगी, मार दिया ना इसे मेरे भाई को। कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कैसे सजा मिली है, तोबा तोबा, कल तक किस तरह दुल्हन बन बन के इतरात रा के फिरती थी, मुझे दिखाती थी, मेरा ही मजाक उड़ाती थी,
अब देख रहे अल्लाह ने कैसा उसको बदला लिया है ना, बेवा बना दिया उसको मेरी तरह।